YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के सतबरवा प्रखंड के सूर्य मंदिर रामघाट पर द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को लेकर प्रखंड क्षेत्र में खासा उत्साह देखा गया। प्रखंड के दूर दराज गाँव से भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की भली प्रकार से डॉक्टरी जाँच कराई। शिविर में मौजूद डॉक्टर एस के रवि ने बताया कि जाँचों उपरांत बीमारियों के इलाज हेतु मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है। बताया कि ज्यादातर मौसमी बीमारियाँ व कमजोरी की शिकायतें मिल रही है। डायरिया और त्वचा संबंधी रोगों के कुछ मरीज भी शिविर में पहुंचे, जिन्हें जांच कर उचित परामर्श व निःशुल्क दवाइयां दी गई है। डॉक्टर रवि ने लोगों से उबालकर पानी पीने और सफाई पर ध्यान देने का परामर्श भी दिया। शिविर को लेकर विद्यालय प्रचार अरविंद कुमार चौबे सहित शिक्षक शिक्षिकाएं सक्रियता से जुटे रहे। वहीं विद्यालय निदेशक गुरुवीर सिंह ने कहा कि विद्यालय की ओर से इस तरह के आयोजन पिता सतबीर सिंह की प्रेरणा से नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कहा, शिविर को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखा गया। आगे भी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में विद्यालय प्रबंधन सक्रियता से जुड़ा रहेगा। बीमारी सबसे पहले तो सीजनल है, सर्दी खांसी बुखार कमर दर्द ठेहुना दर्द जो है और कुछ कुछ स्किन प्रॉब्लम से भी आ रहा है मरीज और कमजोरी वाले हैं, कुछ डायरिया के भी मरीज है। अभी सीजनल में सर्दी खांसी का जो बीमारी है उसमें तो सब लोग ठंडा से प्रोटेक्शन का है, कान बांधे टोपी लगाए गर्म कपड़ा पहने और ये जो लूज मोशन डायरिया जैसा कोई प्रॉब्लम होता है तो पानी उबाल करके पिए, उबाल करके छान करके पिए अंडरग्राउंड वाटर को। और दूसरा आता है कि स्किन प्रॉब्लम से है तो रोज़ स्नान करना है, कपड़े भी धोना है नियमित एक दो दिन पे और उसको आयरन करके धूप में सुखा के पहनना है, उससे उससे प्रोटेक्शन होगा, चर्म रोग का नियंत्रण होगा। आज यहाँ पर सतबरवा में द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप और फ्री मेडिसिन दी जा रही है जरूरतमंदों को। ये शिविर हमने डॉक्टर आर के रंजन से एक बार बैठ के डिस्कस किया था कि सतबरवा के कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं कि यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ और बहुत लोगों को दिक्कत होती है डॉक्टर में जाने में या कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंद जो नहीं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो डॉक्टर आर के रंजन ने हमें कहा कि ठीक है हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, तो आज उनको आना था क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो उसके डॉक्टर एस के रवि जी आए हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आर के रंजन जी का और डॉक्टर एस के रवि जी का, जिनके कहने डॉक्टर आर के रंजन कहने पर डॉक्टर एस के रवि जी हमारे पास यहाँ आए हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे कि करीब 25-30 लोगों का ट्रीटमेंट हो सर देख चुके हैं और यहाँ पर अभी और भी लोग आ रहे हैं, कम से कम 100-200 का हम लोग का टारगेट है कि देखने का। ये हमारा स्कूल द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल हर हमेशा कुछ ना कुछ सोशल वर्क में रहता है। लास्ट टाइम आपको भी याद होगा ब्लड डोनेशन कैंप लगा था हम लोग का, जिसमें हमने ब्लड डोनेट कराया था। आज भी हमारे पास वो कार्ड पड़े हुए हैं, हमने कार्ड के बदले ब्लड नहीं लिया फ्री में, वहाँ भी डोनेट करा के ब्लड दिया है। वो मतलब एक ब्लड बैंक को हमने जो स्टॉक दिया है वो मेंटेन्ड है, मतलब हमने यूज़ नहीं किया उसको। एज सेम चीज़ हमने अभी यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है जिसमें से द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल से फ्री मेडिसिन दी जा रही हैं मरीजों को। अच्छा लगता है एक्चुअली, हमारे मेरे पिताजी सरदार सतबीर सिंह राजा जी उनकी ये सोच है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने साथ दूसरों के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। तो जो वो हमें सिखाते हैं समझाते हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये चीज़ करते हैं। पिछले 6 महीने से मैं सतबरवा आ रहा हूँ, तो पहला तो मेरा आना हुआ यहाँ पर एडमिशन के ही चक्कर में, बट यहाँ आने पर देख रहा हूँ जो परिस्थिति है लोगों तक, ये बगल में ही आप देख रहे हैं हॉस्पिटल है जो आज तक इसका उद्घाटन तो हुआ बट यह हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। और यहाँ की जनता का जो बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मल बीमारियाँ हैं जैसे बुखार है, फीवर है, खुजली की थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स वो जो थे लोग जनता वो पहुंच नहीं पा रही थी और यहाँ से 30 किलोमीटर जाना आना समय का कम होना, तो हम लोगों ने इसी तरह से सोचा। मैंने ये बात सर को बताई, हमारे गुरबीर जी को, कि सर क्यों ना हम एक अपने स्कूल की तरफ अपने बैनर के अंडर में एक मेडिकल कैंप करें। और सर ने तुरंत उस चीज़ के लिए राजी हो गए सर, और आज हम सर के अगुवाई में हम लोग यहाँ पर कैंप का आयोजन कर रहे हैं और करीब करीब मुझे आशा है कि करीब करीब 150 से 200 लोग यहाँ पर आएंगे
30-40 लोगों का ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है, वो जा चुके हैं, मेडिसिन पर्याप्त है। कई लोगों को, जो लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है डाल्टेनगंज में। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेवाएँ संस्थाओं के थ्रू, सर के थ्रू चलाई जाती हैं। जैसे अभी इनके अंडर में, सर के अंडर में अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप किया था, ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जहाँ पर 70 बॉटल हम लोगों ने जमा करके दिया था। और आज भी जो वहाँ पर डोनेट किया हमने 70 बॉटल्स, तो उसके एवज में हम जो पेशेंट्स को हम दिलाते हैं, पेशेंट्स को वहाँ पर सदर हॉस्पिटल में, उसके बदले में, हम अपने कार्ड के बदले में नहीं दिलाते हैं, इमीडिएट हमारे सर रात के 12 बजे हो, 10 बजे हो, 9 बजे हो, सर खुद जाते हैं और खुद एक रिप्लेसमेंट लेकर जाते हैं, जो तुरंत वहाँ रिप्लेस करता है बॉटल, ब्लड देता है और एक नया बॉटल उनको दिया जाता है।